सज्जाद नुमानी साहब को पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे छोड़ करके। भागवत बड़े अच्छे आदमी है, भागवत बड़े कद के नेता है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, ऐसा बयान क्या उनको विदेश से जो फंड आ रहा है उसका सवाल की फाइल उनके घर में भेजी गई क्या? सज्जाद नुमानी साहब को पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे छोड़ करके। भागवत बड़े अच्छे आदमी है, भागवत बड़े कद के नेता है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, ऐसा बयान नुमानी साहब क्यों दे? क्या उनको विदेश से जो फंड आ रहा है उसका सवाल की फाइल उनके घर में भेजी गई क्या? नरेंद्र मोदी ने आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मिडल ईस्ट से नुमानी साहब को फंड आता है और वो भारत सरकार रिजर्व बैंक के थ्रू आता है। सारा डॉक्यूमेंट सरकार के पास अवेलेबल है, वो सारा डॉक्यूमेंट का आधार बनाकर आपको विदेश से पैसा आता है, ऐसा मामला नुमानी साहब के सामने उठाया गया। नुमानी साहब ने मुझे पहले साल भर पहले बोला कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर, इस प्रेशर के बावजूद भी मैं आपका साथ सहयोग कर रहा हूं। नुमानी साहब ने मुझे कहा अब एक लिमिट के बाद प्रेशर पड़ा होगा, और वो प्रेशर क्या है आपको बताता हूं। कलीम सिद्दीकी साहब का नाम सुना? हाँ, बुलेट वाले भाई। कलीम सिद्दीकी साहब और उनके और एक साथी को जो नुमानी साहब के बहुत नजदीकी लोग है, दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। नुमानी साहब को इशारा करने के लिए उनको अंदर डाला। नुमानी साहब तुम्हारे नजदीकी को हमने अंदर डाला है, उसके बाद बयान आया नुमानी साहब का मेरे खिलाफ। आप समझते नहीं हो भाई क्रम, मैं तो सारी तारीखें सारी बातें जानता हूं, सारी बातें जानता हूं। तो नुमानी साहब की मजबूरी है, मैं उनके मजबूरी पर उन पर दया कर सकता, ठीक है। आप जेल में नहीं जाना चाहते, उन्होंने एक बार मुझे कहा था, मेजराम साहब आप मेरी उम्र जो है आप देख रहे हैं, इस समय मैं इस लड़ाई के लिए जेल में भी जा सकता हूं मगर अभी मेरी उम्र जेल में जाने के लायक नहीं। उनकी उम्र 69, मेरी 66, मैं तो जेल में जाके आया नरेंद्र मोदी के गुजरात में, और भी जाने के लिए तैयार हूं। गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे नहीं हो गए, वो महान हो गए, मैं कौन सा छोटा होने वाला हूं भाई? मैं कौन सा चोरी चकारी डकैती डाल के जेल में जा रहा हूं? मैं तो देश के हित में, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में लड़ाई लड़ रहा हूं। देखो ये सारी बातें क्या हो रहा है, ये जो सरकार है, ये सरकार ये जानती है बीजेपी आरएसएस कि कोई मुसलमान को समझा के तो वो बीजेपी में आने वाला नहीं। सारे देश भर में मुसलमानों को डराने का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, ये बात। बहुत सारे मुसलमान, मैंने टीवी पर एक मुसलमान देखा, शिंदे ने लगाया ना, वैसा मुसलमान एक बयान दे रहा, वो भी इधर लगाया हुआ। अरे मैंने कहा ये कैसा मुसलमान है यार, ये शिंदे की तरह टीला लगाया हुआ मुसलमान, ये तो बड़ा अजीब किस्म का मुसलमान, ये हिंदू भी है मुसलमान भी है, दोनों है क्या? ये सारा डर है, ये डराने का काम कर रहे। अब इसका इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है कि 14 अगस्त 47 तक मुसलमान मजलूम नहीं था, 15 अगस्त 47 से मुसलमान को मजलूम बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब लगभग मुसलमानों को मजलूम बना दिया गया, तो मुसलमान नए नए मजलूम है, हम 2000 साल के मजलूम हैं, तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए, मजलूम और मजलूम की एकता होनी चाहिए। आपकी पिटाई हो रही है 70-75 साल से, हमारी 2000 साल पुराने मजलूम वो पिटे पिटाए, मतलब हमारे घाव पता नहीं कितनी बार लाल हुए हरे हुए, आपके नए नए घाव है तो आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा है, हमारी बार कितनी साली पिटाई हुई उसका कोई लिमिट नहीं 2000 साल तक बहुत। और ऐसे पिटे पिटाए लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं,
और बहुत जोर से लड़ रहा हूं। बहुत मुश्किल होता है बीजेपी वालों को हमारी बात को गलत साबित करना, आरएसएस वालों को गलत साबित करना। मैं तो ऐलानिया कहता हूं, मैं तो 3.5 लाख लोग लेकर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गया। हरियाणा में मेरा कार्यक्रम नहीं करने दिया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है उसके विरोध में मैंने 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया। वो वहां फडणवीस जो है मॉनिटर कर रहा था, जब उसको लगा कि ये कंट्रोल में नहीं है तो कमिश्नर को मेरे पास भेजा और आरएसएस के हेडक्वार्टर को मैसेज दिया कि ये लोग कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी हेडक्वार्टर आ सकते हैं, आप लॉक लगाओ, भाग जाओ। भाग गए आरएसएस के लोग, ताला लगाकर भाग गए। अरे हम जाने के पहले भाग गए, गए नहीं तो पहले भाग गए। अभी सुना है हेडक्वार्टर नागपुर का अयोध्या लेकर जा रहे, मेरी वजह से। अरे भाई आपको क्या बताया जाए, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर मैं कभी भी घेर सकता हूं। आप जानते नहीं, नागपुर तो मेरा गांव है, चारों वेर आरएसएस के हेडक्वार्टर को हमारे लोगों के द्वारा घेरा हुआ है। देखो जितने भी मुसलमान नाम है वो बदलने का चल रहा है कि नहीं, उस्मानाबाद उस्मान मुस्लिम नाम है, औरंगाबाद मुस्लिम नाम है कि नहीं, बराबर, अहमदनगर ये नाम मुस्लिम है कि नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लोग नाम बदल रहे हैं, इससे वो मैसेज देते हैं कि हम लोग मुस्लिम विरोध में हैं। तो ये लोगों का तुष्टीकरण करने का मामला है, खुश करने का मामला है, ताकि लोग उनको वोट दे। उन लोगों के हित में तो कुछ कर नहीं रहे, इससे कौन सी सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान हो गया, नाम बदल गया। कितने बेरोजगार को नाम बदलने से रोजगार मिल रहा है, कितनी महंगाई खत्म हो रही है ये नाम बदलने से। महंगाई करने वाले लोगों को फायदा हो रहा है ना, उन लोगों को फायदा हो रहा है, और जिनको फायदा हो रहा है वही चंदा देते बीजेपी वालों को।